आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। भाजपा के पतन की शुरुआत, कर्नाटक की जीत पर कांग्रेस ने मनाया जश्न। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस की जीत से उत्साहित कांग्रेसियों ने राहुल गांधी और कमलनाथ जिंदाबाद के नारों के साथ मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर जीत का जोरदार जश्न मनाया। इस मौके पर सुनील शर्मा ने कहा कि कर्नाटक की 40% कमीशन वाली सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका है। श्री शर्मा ने आरोप लगाया कि इसी प्रकार मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भी शिवराज सिंह चौहान की भ्रष्टाचारी सरकार को जनता सबक सिखाएगी और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। श्री शर्मा ने कहा कि ये भाजपा के पतन की शुरुआत है, क्योंकि अब जनता भाजपा के छलावे को समझ चुकी है। प्रदेश सचिव समीर खान ने कहा कि शनिवार के दिन भगवान बजरंगबली ने सत्य का साथ दिया, ये जीत बजरंगबली को अर्पित है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से ब्रजभूषण पांडे, धीरू शर्मा, सुनील जेधे, विश्वास दीक्षित, नारायण धोटे, कदीर भाई, अर्जुन वामनकर, सोनू पाल, असलम भाई, संतोष यादव, अनिल मगरकर, करनलाल चंदेलकर, मुकेश झारे, राकेश शर्मा, नफीस खान, जैद खान, प्रशांत मरोठी, डॉक्टर पवार, लोकेश पगारिया, सूरज मंडरे, अजय टंडन, मोनू वाघमारे, गोविंद साहू, राहुल लोहाड़िया, मोहसिन खान, उदल काका, अनिश शेषकर, सुभाष बेलवंशी, सुखराम पंडाग्रे, सुरेंद्र यादव, उमाकांत यादव, राजा शर्मा आदि मौजूद थे। आजाद हिंदुस्तान लाइव जिला ब्यूरो बैतूल, देवीनाथ लोखंडे की रिपोर्ट। देखिए, कर्नाटक में जो 40% कमीशन खाने वाली सरकार थी उसको वहां की जनता ने उखाड़ फेंका है और कांग्रेस के राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे और मल्लिकार्जुन जी के नेतृत्व पे विश्वास जनता ने जगाया है और वहाँ कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत बनाई है। उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी शिवराज की जो भ्रष्टाचार की सरकार इस प्रदेश में चल रही है उसको आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता उखाड़ फेंकेगी और यहाँ कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। सभी विधानसभा में आपको निश्चित ही कमलनाथ जी के नेतृत्व को जनता समर्थन दे रही है और जो कमलनाथ जी ने की जो योजना है, 500 रुपए में गैस की टंकी दे रहे हैं हम, 1500 रुपए हमारी माता बहनों को देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, जो कमलनाथ जी ने काफी युवाओं को रोजगार देंगे, कमलनाथ जी ने जो काफी जनहित में जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो बनाई है और घोषणा करी है उसका जनता को अपार समर्थन कमलनाथ जी को मिल रहा है। ये कर्नाटक की जनता ने का जो बहुमत है ये पूरे देश के लिए है और अब कांग्रेस में एक और उत्साह के वो हुई है और जो ये नास्तिक और जो लोग सद्भाव बिगाड़ते हैं इस देश में, आज उन्होंने, आज शनिवार के दिन भगवान बजरंगबली ने सत्य का साथ देके आज कांग्रेस की सरकार बनी है और ये जीत पूरे देश में लागू होगी। इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी।